आप देख रहे हैं TNB। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटीड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ 25 लाख विषय पर कार्यक्रम को संबोधित किया। जमा राशि बीमा के दायरे में भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों में सभी तरह की जमा धन राशियों जैसे बचत, फिक्स्ड, चालू और सावधि जमा आदि को शामिल कर दिया गया है। वहीं डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें डिपॉजिटर्स फर्स्ट की भावना को सबसे पहले रखना और इसे सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को सालों से फंसा हुआ उनका पैसा वापस मिला है। बता दें कि ये राशि 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं पीएम मोदी ने ये भी कहा कि कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उन्हें विकराल होने से बचा सकता है, लेकिन वर्षों तक एक प्रवृत्ति रही कि समस्याओं को टाल दो। आज का नया भारत समस्याओं के समाधान पर जोर लगाता है। आज भारत समस्याओं को टालता नहीं, पहले लोगों को किसी बैंक से फंसा अपना ही पैसा प्राप्त करने में वर्षों लग जाते थे। हमारे निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीबों ने इस समस्या को झेला है। साथ ही इस स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ बदलाव किए, रिफॉर्म किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी। पहले बैंक में जमा रकम सिर्फ 50,000 रुपए तक की राशि पर ही गारंटी थी, फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। कानून में संशोधन करके और एक समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। पहले जहां पैसा वापसी की कोई सीमा नहीं होती थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर अनिवार्य किया है। यानी कि बैंक डूबने की स्थिति में भी 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। साथ ही एक अच्छी बात है कि जमा राशि का बीमा कवर बढ़कर अब 5 लाख हो गया है। बता दें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंकों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इस सुधार के तहत बैंक जमा राशि बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक के हिसाब से 5 लाख रुपए के जमा राशि बीमा कवरेज के आधार पर पिछले वित्त वर्ष के अंत तक पूरी तरह से सुरक्षित खातों की संख्या कुल खातों की संख्या का 98.1% थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 80% है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि अंतरिम भुगतान का पहला भाग हाल ही में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी की DICGC ने जारी किया है। ये भुगतान उन 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के आधार पर किया गया है जिन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबंधित कर रखा है। साथ ही आप सभी को महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आखिरकार बैंक खाते का इंश्योरेंस क्या होता है। बैंक का लाइसेंस रद्द होने, मजर होने पर या पुनर्निर्माण पर हर डिपॉजिटर्स को मूलधन और ब्याज की राशि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। आपके सभी अकाउंट्स को मिलकर कितना ही पैसा क्यों ना हो, आपको केवल 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इस राशि में मूलधन और ब्याज की दोनों राशि शामिल है। बैंक के विफल होने पर अगर आपकी मूल राशि 5 लाख रुपए है तो आपको केवल ये राशि वापस मिलेगी और ब्याज नहीं। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।